अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका एनालिसिस का भी है। इससे वही फायदे हैं हमारे, सेलिंग प्राइस हमें पता चलता है, इन्वेंट्री एस्टिमेशन कर सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पता चलती है, और गैप आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। अज्यूम कर लें आपने जो भी पैरामीटर सेट किए हैं अपनी कंप्लीट निश एनालिसिस के अंदर, हो सकता है आप ये चाह रहे हो कि आपके पास जो है सब राउंड वाली आपने बेचनी है या उसको आगे लेकर प्रोसीड करना है। तो आप और आपकी निश के अंदर प्री डोमिनेंट डोमिनेंटली जो है वो राउंड वाली एक जैसी ही मौजूद है प्रोडक्ट, ये अज्यूम कर रहे हैं, वरना लॉन्ड्री बैग में इस तरह नहीं है, डिफरेंट किस्म की राउंड बास्केट्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, इनको सारी रोज को कॉपी करें और एक नई शीट में बनाएं और उसका नाम दे दें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिस तरह के यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप कंप्यूटर के अंदर आगे राउंड कर लें, क्योंकि बहुत सारी निशेस भी निकल कर आ सकती हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था सेरेब्रो से इसको एनालाइज करने का, कि कंप्यूटर की कंपाइल करने का शीट को, तो ये भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, बस यहाँ पर हम सेरेब्रो के बजाय यहीं से उठा लेते हैं अगर क्लैरिटी मौजूद हो मार्केट में तो, वरना इस लॉन्ड्री बैग के अंदर और इस तरह की दीगर जो प्रोडक्ट होती है उनमें आमतौर पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारी तरह की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं हमें। ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।